हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि इस साल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स या फिर एक्स स्टूडेंट्स अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन देने वाले हैं, चाहे वो एसओएल के स्टूडेंट हैं, एनसीवेब के स्टूडेंट हैं या फिर वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही किसी रेगुलर कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। सो गाइस, आप लोगों को ओपन बुक एग्जामिनेशन देना है तो आप सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करने में अनेबल हो रहे थे। लेकिन अभी भी स्टिल मैं आपको बता दूं, जो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं उनका जो ओबीई का स्टूडेंट पोर्टल है जहां पर से उन्हें ओपन बुक एग्जामिनेशन देना है, वो अभी भी ओपन नहीं हो रहा। इस वीडियो को मैं 4 जून आज मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर जो एनसीवेब का जो ओबीई पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, उनके लिए खुल चुका है। और साथ ही साथ आप इस बात से भी अभी इंश्योर हो जाएं कि जो ओबीई पोर्टल होता है वो अलग अलग, जैसे एसओएल के स्टूडेंट्स हैं और एनसीवेब के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अलग अलग पोर्टल बनाए जाते हैं ताकि ह्यूज क्वांटिटी में जब स्टूडेंट्स आए तो यहाँ का सर्वर डाउन ना हो जाए। जैसे फर्स्ट बार में, सबसे पहली बार जब आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन 2020 में अगस्त में हुआ था तो एक ही पोर्टल बनाया गया था जिसके कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो उसके बाद से सेकेंड फेज से ही अलग अलग पोर्टल आप लोगों के लिए बना दिए गए थे। और यहाँ पर भी आप देखोगे कि कुछ नए ऑप्शंस जो है रजिस्ट्रेशन के से पहले आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और सिमिलरली यही ऑप्शन आप लोगों को एसओएल के रजिस्ट्रेशन के दौरान भी देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस नई वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या कुछ नया है आप लोगों के लिए इस रजिस्ट्रेशन के पोर्टल में, और क्या कुछ तरीके से आपको इसको रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना है करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको इस विंडो को ओपन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है एनसीवेब ओबीई पोर्टल, कुछ इस प्रकार से आपको गूगल ओपन करना है अपने मोबाइल फ़ोन। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप गूगल पे सिंपली लिख के सर्च कर देंगे एनसीवेब ओबीई पोर्टल, यहाँ पर आप लोगों के सामने नीचे रिजल्ट आ जाएगा ओबीई के बारे में, आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपके सामने ये नई विंडो ओपन हो जाएगी। सो गाइज, ये जो विंडो ओपन हुई है ये सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पर तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूजी कोर्स के हैं या पीजी कोर्स के और कहाँ के हैं, एनसीवेब के ओनली, आपको ध्यान रखना है। एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बता दूँ, उनको भी अगर डायरेक्टली आना है इस ओबीई पोर्टल पर तो उनके लिए यहाँ पर अलग पोर्टल बनाया गया है, यहाँ पर सिंपली आपको लिख के सर्च करना होगा एसओएल ओबीई पोर्टल, बट आपका भी स्टिल ओपन नहीं हो रहा, आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है 503 सर्विस टेम्पररी अनअवेलेबल, यानी इस पर काम चल रहा है अभी। अब नए ऑप्शन क्या क्या आपको एनसीवेब के पोर्टल पर देखने को मिलने वाले हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप सिंपली आइए दोबारा से, आप इसको चेकआउट कर लीजिए पहले, क्योंकि आप लोग पता है एक तो एसओएल के अंदर इतने स्टूडेंट्स हैं, जब अगर इसका ओपन भी होता है विंडो तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ ट्राई करेंगे तो मे बी पॉसिबल इसका सर्वर उस टाइम पे भी जा सकता है। तो एनसीवेब ओबीई पोर्टल हमने सर्च कर दिया, यहाँ पर आ गया और ये आपके सामने जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी ओबीई पोर्टल की, ये विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पर आप लोगों को हर बारी आपको सिर्फ ये ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलता है कि क्या क्या आपकी बार आपको करना है, क्या क्या नहीं करना, कैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कैसे क्या होगा, आप ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली ये देख पाते थे कि भाई यहाँ पर आपके जो भी एसओएल या एनसीवेब या रेगुलर के स्टूडेंट्स का मेंशन होता था, नीचे यहाँ पर आपको साइन इन करने का ऑप्शन मिलेगा, बट सबसे नीचे सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन, यहीं तक आपको ऑप्शन मिलते थे लेकिन अब इसके नीचे एक ऑप्शन आपको नया मिल गया है। किस चीज़ का ऑप्शन है, ये एग्जामिनेशन फॉर्म का, किस चीज़ का, यहाँ पर नोट भी आप लोगों के लिए लिखा गया है कि ये उस स्टूडेंट्स के लिए जिसने अब तक पहले एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो पहले वो इसको फिल करे। पहली बात, अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रखा है लेकिन फिर भी आप, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रखा है तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ भी करने की, मैं पहले ही बता दूँ। लेकिन आप लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर रखा तो आपको यहाँ पर ज़रूरत है, या फिर आप लॉगिन करने में प्रॉब्लम आपको हो रही है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, भी इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आपने पहले नहीं कर रखा, आपको क्योंकि सारी जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, तो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी, यहाँ पर आप लोगों को अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स का पूरा नेम लिखना है, यहाँ पर
स्टूडेंट्स का स्टडी मोड क्या है। यहाँ पर आप लोगों को पहले यहाँ पर जो सेमेस्टर और ईयर का ऑप्शन मिलता है ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ईयर वालों एनुअल मोड का भी हो रहा है तो ईयर जैसे सेलेक्ट कर लिया, ऊपर आपके जो भी नेम वगैरह उसको सेलेक्ट कर लेंगे, अपने डिपार्टमेंट वगैरह को भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे फिर ऑप्शन आएगा, इसके बाद में आप उसे ओके कर देंगे। इसके बाद में जब आपका ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो आप बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा नीचे स्टेटस चेक करने का, तो आप इस पर भी क्लिक करके चेक कर सकते हो अपने स्टेटस को। अगर आपने अप्लाई कर दिया है कि भाई मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, तो वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। आप सर्च कर सकते हो बाय दिस फिलिंग, आप इन सबको फिल करके आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद में बैक आते हैं, रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो पहले जैसी ही आप लोगों की। यहाँ पर मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन भी किया था, तो रजिस्ट्रेशन जो है एनसी वेब के स्टूडेंट के स्टार्ट हो चुके हैं, आप अपना कर सकते हैं। अभी स्टिल एसओएल के स्टूडेंट जो है उनके नहीं हुए, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हो अभी आपको नहीं पता था कि मेरे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो आप यहाँ पर जाइए न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी गई है एज़ ऑलवेज कि जैसे आप लोगों को सलाह दी जाती है कि आप अपना खुद का मोबाइल और ईमेल आईडी जो डिटेल्स है उसको फिल करके रजिस्ट्रेशन करें, और जो भी यूनिवर्सिटी में आपने दे रखा है, अगर आपने नहीं दे रखा तो आप लोग उसको अपडेट कर लीजिए। आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, एनसी वेब के पोर्टल पे जाएंगे आप अपने, उसमें मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स को क्या करना है, यहाँ पर अपने जो मोड होंगे उनको सेलेक्ट करना है। जैसे मोड यहाँ पर सेलेक्ट करोगे आप ईयरली, यहाँ पर आपको प्रोग्राम आपका जो भी कोर्स है बैचलर ऑफ एजुकेशन का है या फिर एनसी वेब के अंदर कॉमर्स का आएगा, बीए प्रोग्राम का है, सारे ऑप्शन यहाँ पर इनके ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपका बीए प्रोग्राम का है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप अपना स्टूडेंट्स का नेम यहाँ पर लिख दीजिए जो भी एडमिट कार्ड पे आया है, और यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर लिख दीजिए। इसके बाद में नीचे आपको कैप्चर मिल जाएगा, इस कैप्चर को फिल कर दीजिए। जैसे ही आप कैप्चर को फिल कर देंगे आपके सामने सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो आ जाएगी। वहाँ पर से फिर आपसे आपका मोबाइल नंबर, आपसे एक बार आपका इसके बाद में ईमेल आईडी और आप लोगों का नाम कन्फर्म या फिर आपका जो रोल नंबर है वो कन्फर्म किया जाएगा। OTP इसके बाद फिर आप नीचे सबमिट करोगे, OTP आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे वो भेज देंगे। उसके बाद में वहाँ पर से आपको OTP फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। OTP फिल करते ही आप लोग अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करते के साथ ही ध्यान रखना पासवर्ड आप लोगों को खुद क्रिएट करना है अपनी इच्छा से, और वही पासवर्ड क्रिएट करना जो आपको याद रहे, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन के लिए एंटर करोगे इस पोर्टल में तो आपसे वही पासवर्ड मांगा जाएगा। सपोज दैट आपका पासवर्ड नहीं खुलता, कुछ गलत भर दिया, भूल गए, तो आप लोगों के लिए और भी ऑप्शन है, नीचे देखेंगे आप बैक आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए फॉरगेट पासवर्ड का भी, रीसेट पासवर्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इस पे जाकर अपने पासवर्ड को भी रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे आपका दो डिटेल्स पूछी जाएगी, आप वो दो डिटेल देख लेंगे। सबसे पहले आपसे आपका जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम है ये पूछा जाएगा, दूसरी चीज़ आपसे आपका रोल नंबर पूछा जाएगा। सबमिट कर देंगे, आपका आपका जो ईमेल है उस पर या फिर आपके मोबाइल नंबर पे जो भी चीज़ें हैं वो ये मैसेज कर देंगे OTP, और उसके बाद फिर आप उसको क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ बच्चों के लिए थोड़ा आप देखेंगे तो कंफ्यूजिंग कर रखा है, आप लोग ने जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है तो वहाँ पर डायरेक्टली मैंशन है कि आप प्लेन शीट को यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आप देखोगे आंसर राइटिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है, जब लास्ट में आप देखते हो तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आप कैसी शीट्स को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर रूल शीट को भी यूज़ कर सकते हो और प्लेन शीट को भी यूज़ कर सकते हो, तो आप आपकी मर्ज़ी, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आप अपनी PDF बनाओ तो उसमें आप एक बात का ध्यान रखना, आपकी PDF जो है वो क्लियर दिखे, ऐसा ना हो कि वहाँ पर लाइनिंग की वजह से कोई भद्दा दिखे, वो आपकी ब्लंडर मिस्टेक आप लोगों को क्या कर सकती है, आपको फेल भी करवा सकती है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कुछ गाइड्स आप लोगों के लिए यहाँ पर, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसको पढ़ लेंगे। इसके अंदर आपका फाइल साइज़ जो इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि एक भी जो फाइल ऐड करोगे आप यहाँ पर, तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ़ाइल ऐड करते समय आप लोगों के लिए 7 MB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। वैसे आप लोगों को पता चल चुका है इसके बारे में, तो आई होप यही थी वीडियो। जो SOL के स्टूडेंट्स हैं जो अब तक परेशान हो रहे थे वो परेशान ना हो, उनके लिए भी जल्दी ऑप्शन हो जाएगा ओपन। अब आज देख रहे हो आप 4 तारीख है, 5 तारीख, 6 तारीख और ये आपका 7 तारीख को एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो इस डे को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो आज से लेकर आज शाम तक, 4 तारीख के शाम तक आप लोग देखेंगे तो आपके भी जो रजिस्ट्रेशन है
वो ओपन हो जाएंगे, आप भी अपने रजिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो चले गाइस, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली होगी, और आप इसी प्रकार की अगर इंटरेस्टिंग और टाइमली अपडेट वीडियो चाहते होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे, ताकि जो नए अपडेट्स आए हैं यहाँ पर उनके बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके। चले गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।